बहुत जरूरी है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। डॉक्टर साहब आते हैं और नारा लगाकर चले जाते हैं, चूंकि उनको न्याय चाहिए, लेकिन इस गरीब को न्याय कौन देगा। एक तरफ डॉक्टर अपने लिए न्याय मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ ये लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूर्णिया में एक महीना इलाज किया, उसके बाद पैसा खत्म हो गया, वहाँ से ट्रांसफर कर दिया पटना। पटना ट्रांसफर किया, पैसे खत्म हो गया, खाने के लिए नहीं था। गाँव में अपने गाँव में भिक्षा भी मांगे, कोई नहीं दिया। अब तो डॉक्टर साहब हड़ताल पे चले गए, अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, देखेंगे, यहीं रहना पड़ेगा, पैसे भी नहीं उतना कि घर जाएंगे। तो रिपोर्ट आ गए आज शुक्रवार, चाहे अगर भर्ती लेती है, पता नहीं रहे जे हड़ताल है ते। डॉक्टर आएंगे और इनकी पत्नी का इलाज होगा और जॉन्डिस का बीमारी दूर होगा, लेकिन डॉक्टर कब आएंगे ये कहना मुश्किल है। जिसके पास जाते थे तो वो कहता था हम नहीं कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर करेगा, तो डॉक्टर तो चले गया, तो बैठा हुआ हूँ। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी IGMS में है और डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर बिटिया का हत्या हो गया है, रेप हो गया है, उसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और उसको लेकर के पूरे देश के जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल खास करके है, उसको बंद कर दिया गया है। वो OPD में हम आपको दिखा रहे थे कि ताला बंद है ना, कि पूरे डॉक्टर जो है स्ट्राइक पे हैं, उसका खामियाजा ये मरीज सब भुगत रहे हैं। एक देखिए, कैंसर रोगी हैं, इनके पति यहाँ पे हैं। कब आए थे यहाँ पे? चार दिन हो गया। क्या है इनको? कैंसर। कहाँ से आए हैं? दरभंगा से हैं। क्या बोले? डॉक्टर बोला केमो चढ़ना है, सबका बन गया था, लेकिन वो जो हड़ताल होने के चक्कर में चले गए, बेड नंबर मिला नहीं। बेड नहीं मिला, इस पर चढ़ा हुआ है बेड नंबर। तो अब क्या कीजिएगा? जिसके पास जाते थे तो वो कहता था हम नहीं कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर करेगा, तो डॉक्टर तो चले गया, तो बैठा हुआ हूँ। अब क्या कीजिएगा? जब कहीं जाएंगे दूसरा जगह, तो इसीलिए बैठा हूँ। देख सकते हैं हालात क्या है, कितनी बिगड़ रही है हालात। एक तरफ डॉक्टर अपने लिए न्याय मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ ये लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक बाप है जो अपने बेटे के लिए यहाँ पे आया है इलाज के लिए। देखिए, आधा शरीर इसका काम कर रहा है और आधा शरीर काम नहीं कर रहा है। कहाँ से आए हैं आप? अरड़िया जिला से आए। क्या हुआ था इनको? एक्सीडेंट हुआ था, बारात जा रहा था, रात में एक्सीडेंट हो गया 10-11 बजे। हम लोग को पता नहीं चला, परी को ले गया था वहीं अररिया, पूर्णिया ले गया था। पूर्णिया में एक महीना इलाज किया, उसके बाद पैसा खत्म हो गया, वहाँ से ट्रांसफर कर दिया पटना। पटना ट्रांसफर किया, पैसे खत्म हो गया, खाने के लिए नहीं था। गांव में अपने गांव में भिक्षा भी मांगे, कोई नहीं दिया। फिर बोला कोई आदमी बोला कार्ड बना लो, कार्ड पे इलाज होता है। फिर कार्ड बना के यहाँ आया तो बस 15 दिन हो गया। डॉक्टर के पास दिखाया, 9 नंबर में दिखाया, 10 नंबर में दिखाया, 11 में दिखाया, 15 में भेजा। 15 में देख के बोला रिपोर्ट लिख दिया, रिपोर्ट भी आ गया आज। बोला था शुक्रवार को कर देंगे भर्ती, आज देखो क्या हो रहा है। तब तो डॉक्टर साहब हड़ताल पे चले गए, अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, देखेंगे, यहीं रहना पड़ेगा, पैसे भी नहीं उतना कि घर जाएंगे। पैसे भी नहीं, घर जाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो इलाज कैसे करवा? बोला था वो तो कार्ड पे होगा, कार्ड पे होगा, जहाँ कार्ड होगा वहाँ पे होगा। हाँ, नहीं कार्ड रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, इतना पैसे नहीं है। आपका बेटा है ये? हाँ। कब आए थे? 15 दिन भले या 15 रोज भले या। हाँ। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले CT एक्शन कर लगे, रिपोर्ट अतः तब की कहे भर्ती लब। तो रिपोर्ट आ गए आज शुक्रवार, चाहे अगर भर्ती लेती है, पता नहीं रहे जे हड़ताल है ते। तो हे बता, हमरा के रिपोर्ट आ मिल रहे हड़ताल भए गए, पैसा कौड़ी छेबे नहीं करे, कतौ लैके जेबे, कहे जगह खाली कीजिए, जगह खाली कीजिए, पैसा छेबे नहीं करे, कतौ लैके जेबे, साँझ खाइ छियै देबे, भोर जखे छियै भोर खाइ छियै, सुबह खाली आब रात नहिए हेते, पैसा छै ने जे कतौ लैके जेबे एकरा। कितना उम्र हो रहा है? 20 साल। 20 साल। हाँ। क्या हो गया था, कैसे? एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल से पहले बाराती जा रहे हैं। तो देख लीजिए, धरती का भगवान कहे जाने वाले स्ट्रेक पे हैं और यहाँ पे मरीज मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। एक और यहाँ पे दादी अम्मा हैं, इनसे भी बात करते हैं। सभी ये हम IGMS का समस्या दिखा रहे हैं। कब आए थे दादाजी? हमको आज 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया जी। हाँ। ये पुर्जा उर्जा सब कटा हुआ है? जी हाँ, खाली एक कागज नहीं मिला है। हाँ। और सब कागज मिल गया,
हाँ भर्ती कागज मिल गया लेकिन भर्ती नहीं हो रहा जी। नहीं भर्ती नहीं हो रहा है, इलाज भी नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं, बैठ नहीं सकती है उठ करके। क्या, क्या दिक्कत है? जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस हो गया है? हाँ। तो दवा उबा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है जी। नहीं तो आप क्या कीजिएगा? क्या करें सर, वही तो बता रहे, क्या करें, कोई समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। नहीं ऐसे ही बस इंतजार है कि डॉक्टर साहब आएंगे और इलाज करेंगे आपके। देखेंगे क्या किया जाए, बताइए कोई रास्ता है तो बताइए सर, क्या बता दें हम तो आए हैं इलाज करने के लिए, भर्ती हो जाएगी जो चल फिर नहीं सकती है, खाना नहीं खा सकती है, क्या करें। इस बूढ़े आंख को आप देख रहे होंगे, उस इंतजार में बैठा हुआ है टकटकी लगा के कि डॉक्टर आएंगे और इनकी पत्नी का इलाज होगा और जॉन्डिस का बीमारी दूर होगा, लेकिन डॉक्टर कब आएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। क्या होगा कि कब तक वो आएंगे हम भी नहीं बता सकते कि कब तक आएंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटम दे चुके हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, ठोस कानून नहीं बनेगा, तब तक वो हड़ताल पे ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जहां अपनी लिए, जहां अपने लिए डॉक्टर सब न्याय की बात कर रहे हैं, तो इस गरीब गुरबा के न्याय कौन करेगा? ऊपर वाले भगवान करेंगे या धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर करेंगे? चूंकि ये डॉक्टर के इंतजार में इनकी बूढ़ी आंख आप देख रहे हैं, ये बूढ़े बेचारा इनकी आंखें इंतजार में इस तरह से बैठी हुई है कि डॉक्टर साहब आएंगे और इनकी पत्नी का इलाज करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब आते हैं और नारा लगाकर चले जाते हैं, चूंकि उनको न्याय चाहिए, लेकिन इस गरीब को न्याय कौन देगा? ऊपर के भगवान देंगे या नीचे वाले भगवान देंगे, ये कहना मुश्किल है। आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।